जब जब धर्म की ग्लानी हो जाए, अधर्म बढ़ जाए, तब तब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कुंती जी कहती हैं, प्रभु तथा परमहंसानाम योगिनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमे हि स्त्रियः। बड़े बड़े योगियों के, परमहंसों के हृदय में भक्ति रस घोलने के लिए आपका अवतार होता है। वहीं गोपियां कहती हैं, आपका अवतार हमारे लिए हुआ है। नागपत्नियां कहती हैं, तवावतार खल निग्रहाय, आपका अवतार खल के निग्रह के लिए होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो केवल भगत निहित लागी, भगवान का अवतार तो भक्तों के लिए होता है। तो भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन बताए गए, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जिस शब्द पर बलाघात किया है वह शब्द है केवल। सो केवल भगत निहित लागी, भगवान का अवतार तो भक्तों के लिए होता है। जब मां कौशल्या की गोद पुकारती है तो उस परमात्मा को बालक बनकर आना पड़ता है। जब कोई भक्तिमती शबरी नित्य प्रति रास्ते को बुहारती रहती है और पुकारती है, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, तो उस परमात्मा को आना पड़ता है। अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना, अवतरतीत अवतारः। भगवान उतरते कहां से हैं? तो भगवान तो त्रिपाद विभूति में निवास करते हैं। त्रिपाद विभूति के ऐश्वर्य की धरा से उतरकर जब भगवान इस धराधाम पर माधुर्य की लीला करने के लिए आते हैं तो इस प्रक्रिया को अवतार कहा जाता है। भगवान अपने नित्य धाम से उतरकर जब इस धराधाम पर आते हैं तो इसी को हम अवतार कहते हैं, अथवा अवान भक्तान तारयतीत अवतारः। नीचे रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों के संतरण के लिए जब भगवान आते हैं तब हम इसे अवतार कहते हैं।